भारत माता की। मंच पर उपस्थित मुंडका विधानसभा से एमएलए धर्मपाल लाकड़ा जी, आपके क्षेत्र से काउंसलर अनिल लाकड़ा जी मंच पर उपस्थित, हमारे सीईओ उदित प्रकाश जी, हमारे मेंबर वोटर मीना साहब, चीफ इंजीनियर साहब, सभी अधिकारीगण और सभी साथी और भाई और बहनों, आज बड़ी खुशी की बात है कि मुंडका के अंदर लगभग 3 करोड़ लीटर का टैंक का शुभारंभ किया गया है। मतलब पानी थोड़ा सा नहीं है, 3 करोड़ लीटर पानी है जिसका टैंक का आज काम स्टार्ट हो गया है। और जल्द आपके पूरे इलाके में जितने भी गांव हैं, जितनी भी कॉलोनी, 16 कॉलोनियों को फीड करेगा, कई सारे गांवों को फीडिंग होगी। आने वाले कुछ समय के अंदर आपको अच्छा पानी, साफ पानी, बढ़िया पानी पीने को मिलेगा सबको। केजरीवाल जी का कहना है कि दिल्ली के अंदर जैसे बिजली 24 घंटे आती है ना, आती है ना, केजरीवाल जी से पहले तो नहीं आती थी। एक जगह मैंने पूछ लिया, भाई बिजली आती है? कहता ना जी। मैंने क्या मतलब? कहता जाती नहीं तो आवेगी कहां पे? तो जिस बिजली 24 घंटे यहीं रहती है, कहीं नहीं जाती। ऐसा ही पानी में करके दिखावाएंगे, 24 घंटे पानी देंगे आपको। अब ये मत कहना कल ही कह दो, कल 24 घंटे हो गए जी, आपको जल्द करके दिखाएंगे। ये करिश्मा जो बिजली में करके दिखाया था, पानी में करके दिखाएंगे। 24 घंटे शुद्ध पानी, साफ पानी पीने का पानी देंगे। और अभी जो हमने यूजीआर का उद्घाटन किया, तो टूटी जब चलाई तो मैंने पानी पी के देखा, बढ़िया पानी है, कोई दिक्कत नहीं, पानी में कोई कमी नहीं है, पानी शानदार है, पी के मैंने टेस्ट भी कर लिया। इस बारी इलेक्शन में अरविंद जी ने 2 चीजें कही थी जिस पर हम लगे हुए हैं। एक, 24 घंटे पानी देंगे आपको। दूसरा, यमुना नदी जिसकी हम पूजा करते हैं, देखिए जी किसने क्या हाल है, कैसे हाल है, जोर से बोलो, बुरा हाल है। यमुना नदी को साफ करके दिखाएंगे। किसी को विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो भी सकता है। जैसे आपकी मीटिंग है, ऐसी मीटिंग में एक बार मैंने बोल दिया कि जी यमुना नदी साफ करके दिखाएंगे, एक अंकल जी खड़े हो गए, कहने लगे भाई जिंदगी में बीजेपी को छोड़ के किसी को वोट नहीं दिया आज तक, पर ये यमुना साफ नहीं हो सकती जी। मैंने क्यों? क्या 75 साल लगे रहे सारे कांग्रेसी बीजेपी वाले, किसी से साफ नहीं हुई, क्या तुम्हारे से भी नहीं होगी? पर अगर कर दी तो अपना वोट भी, परिवार का भी, सबका वोट इस बारी केजरीवाल को दूंगा। तो भाई गांठ बांध लेना सब, अगर यमुना साफ कर दी, कह रहा हूं ना कर दी, तो 100% वोट होना चाहिए, 99% होना चाहिए। ना तो कोई गंगा साफ कर पाया, ना कोई नदी साफ हुई देश में, हम हैं जो करके दिखाएंगे। और मैं अपनी पूरी टीम को, दिल्ली जल बोर्ड की पूरी टीम को बधाई दूंगा, दिन और रात 24 घंटे काम कर रहे हैं। आप देख लेना आपके इलाके के अंदर जो भी काम पेंडिंग थे, सारे काम कर रहे हैं। अभी सीवेज पंपिंग स्टेशन लाकड़ा जी ने 2 दिन पहले उद्घाटन किया है, उसका काम चालू कर दिया। आपके इलाके के सारे सीवर सही से चल पड़ेंगे, जो बने थे बहुत साल पहले चलने रहे, अब उनको सबको चलवाएंगे। जहां पर भी छोटे से छोटा काम है उसको पूरा करके दिखाएंगे। एक चीज मैं कहूंगा, अगर आपके इलाके में कहीं भी सीवर का पानी नाली में गिर रहा है, तो जी बता देना हमारे जल बोर्ड के अधिकारियों को, उसको सीवर में डाइवर्ट कर देंगे, ताकि पानी गंदा पानी नालों से होता हुआ जमुना में ना जाए, वो पहले एसटीपी में जाएगा, वहां पे हम उसको साफ करेंगे, तब डालेंगे यमुना नदी के अंदर। और एक चीज, सीवर कनेक्शन हमने फ्री कर दिया, घरों का सीवर कनेक्शन फ्री है। भाई साहब फ्री में लगवा लेना, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी, आपको खर्चे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये भी यमुना साफ करने के लिए कर रहे हैं। एक चीज और, पानी का कनेक्शन आप अप्लाई करते हो, फिर प्लंबर के पास जाते हो, फिर वो हमारी लाइन के अंदर छेद कर देता है, उसके अंदर गंदा पानी मिक्स हो जाता है, मिट्टी मिक्स हो जाती है,
अब हमने फैसला किया है, जैसे बिजली का एप्लीकेशन देते हो ना आप, ऐसे ही पानी की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, भाई मेरा मीटर लगा दो। आपका मीटर जल बोर्ड वाले खुद लगा के जाएंगे घर पे, आपको कुछ नहीं करना। और खर्चा भी आप सुन के आश्चर्य करोगे कितना पैसा लेंगे, बताओ जी अंदाजा। उसकी पानी की लाइन भी डालेंगे, कनेक्शन भी करेंगे, मीटर भी लगाएंगे, कितने हजार का खर्चा होगा? कह रहे 10,000 का, 1,000 रुपए लेंगे बस आपसे, बाकी सरकार देगी। तो आगे से पानी का मीटर भी जल्द से जल्द लगवा लो। कई लोग कहते हैं पानी का मीटर लगवाया नहीं, पानी फ्री नहीं मिल रहा। पानी फ्री तभी मिलेगा जब मीटर लग जाएगा। तो सारे जल्द से जल्द मीटर पानी का लगवा लेना, सीवर का कनेक्शन जल्दी से जल्दी करा लेना। और इस बार आपको दो काम करके दिखाएंगे, 24 घंटे पानी और यमुना नदी साफ करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।